हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम पार्टनरशिप में जो शॉर्ट सम्स कर रहे हैं उसमें मैं आपको थर्ड सम करवा रहा हूँ। सो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। अब पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो कुछ नहीं दिया हुआ है। जब भी आपको ओल्ड शेयर नहीं दिया हो या पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का शेयर नहीं दिया हुआ हो तो आपको इक्वल कंसीडर करना है कि ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं। ठीक है, इक्वल पार्टनर्स हैं ए एंड बी। दे एडमिटेड सी फॉर 1/6 शेयर एज अ न्यू पार्टनर। सो सी जो न्यू पार्टनर है उसका जो शेयर है वो 1/6 है। आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी 2:3। अब यहाँ पर न्यू शेयर दिया हुआ है, न्यू शेयर ऑफ ए एंड बी, न्यू शेयर क्या होगा 2:3। अब ये पहले नहीं दिया हुआ था, पहले वाले हमने जो दो सम किए उसमें ये नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ है। सो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करना होता है। रिमेनिंग शेयर, सो टोटल शेयर 1 माइनस सी शेयर 1/6। सो 1 में से 1/6 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5/6। नाउ न्यू शेयर फॉर A and B is equals to remaining share into, अभी तक हम कर रहे थे old ratio, यहाँ देखिए new share, remaining share into old ratio, लेकिन क्यों कर रहे थे old ratio, क्योंकि हमें old दिया हुआ था। यहाँ पर करेंगे remaining share into new ratio। तो अब आपको क्या करना है कि जब भी सम में new ratio दिया हुआ हो, ध्यान से समझो इस पॉइंट को, ए और बी का ओल्ड रेशियो था 1:1, न्यू डिसाइड हुआ है 2:3। तो अगर न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू शेयर दिया हुआ है, तो हमें रिमेनिंग शेयर को न्यू शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सो पहले मैं ए के लिए करता हूँ। ए का रिमेनिंग शेयर कितना है, तो वो है 5/6। न्यू रेशियो कितना है, ए का न्यू रेशियो कितना है, तो न्यू है 2/5। ये रहा, सो 5/5 कैंसिल कर देंगे तो आंसर आएगा 2/6। और सेम बी के लिए रिमेनिंग शेयर 5/6 इंटू न्यू रेशियो, न्यू रेशियो ऑफ बी, ये रहा 3/5। 5/5 कैंसिल हो जाए तो 3/6। सो देयरफॉर न्यू शेयर ऑफ ए बी सी, तो ए का न्यू शेयर कितना हो गया 2/6, बी का न्यू शेयर 3/6 और सी का न्यू शेयर, सी तो है ही अभी आ रहा है, 1/6। सो फाइनली 2:3:1 ए बी एंड सी, ये हो गया इनका न्यू शेयर। अब न्यू शेयर कैलकुलेट हो जाने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमें आगे क्या कैलकुलेट करना होता है इसमें, तो आगे हमें कैलकुलेट करना होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो आइए देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सो पहले ए के लिए, तो ए का ओल्ड शेयर कितना था, तो ए का जो ओल्ड शेयर दिया हुआ है वो है 1/2। जिस शेयर में वो सी के आने से पहले प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते थे, माइनस न्यू शेयर। न्यू शेयर कितना है, सो ए का न्यू शेयर ये रहा 2/6।
सो 6 एलसीएम 6 डिवाइड बाय 2 3 माइनस 2 तो आंसर आ जाएगा 3 माइनस 2 मीन्स 1 अपॉन 6 और बी का ओल्ड शेयर कितना है 1 अपॉन 2 न्यू शेयर कितना हुआ 1 अपॉन 6 1 अपॉन 2 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 6 6 एलसीएम 6 डिवाइड बाय 2 3 माइनस 3 सो 0 अपॉन 6 आंसर आता है 0। अब एक पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 0 आ रहा है, दूसरे पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1 अपॉन 6 आ रहा है, सो देयरफॉर हम लिखेंगे ओनली ए हैज सेक्रीफाइस, ओनली ए हैज सेक्रीफाइस, सिर्फ ए ने ही सेक्रीफाइस किया है और कितना सेक्रीफाइस किया है 1 अपॉन 6। और यहाँ पर देखिए ए ने जितना सेक्रीफाई किया है उतना ही तो बी का शेयर है, मीन्स बी को जितना भी शेयर देना पड़ेगा वो ए देगा, जितना सी को शेयर देना सॉरी सी न्यू पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर है, सी को जितना शेयर देना है 1 अपॉन 6 वो कौन देगा ए देगा, बी का सेक्रीफाइस 0 है, दैट मीन्स बी ने कोई अमाउंट सेक्रीफाइस नहीं किया है। सो ये है सम, आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। एंड अब हम नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं, ये था हमारा थर्ड सम, अब हम फोर्थ देखेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, दैट मीन्स ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो ए एंड बी 2:1, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, सो सी इज शेयर 1/5, सी विल एक्वायर 1/10 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/10 शेयर फ्रॉम बी। अब यहाँ पर सी को जो देना है 1/5 उसमें 1/10 ए दे रहा है और 1/10 बी दे रहा है, मीन्स यहाँ पर आपको सेक्रीफाइसिंग बताया गया है कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है एंड बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सो ये दोनों के आपको सेक्रीफाइस रेशियो बता दिए गए हैं, फिर से बता रहा हूँ दोनों के सेक्रीफाइस रेशियो बता दिए गए हैं। तो एक तो इन्फॉर्मेशन है कि सेक्रीफाइस बाय ए 1/10 एंड सेक्रीफाइस बाय बी 1/10, ये दोनों का सेक्रीफाइस है कि ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है। हमें न्यू शेयर कैलकुलेट करना है, ओके, सो न्यू शेयर का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। यहां पर देखिए सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। अब अगर मुझे न्यू कैलकुलेट करना हो तो न्यू को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊंगा, इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो राइट हैंड साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो ये वही फॉर्मूला है, सेक्रीफाइसिंग इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू एंड न्यू इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने साइड चेंज कर दिया। सो ए का ओल्ड शेयर है 2/3 माइनस सेक्रीफाइस है 1/10, सो 10 × 3 = 30, 10 × 2 = 20, 10 × 1 = 3, तो ये हो जाएगा 17/30 ए का न्यू शेयर। नाउ सेम बी के लिए न्यू शेयर क्या होगा, बी का न्यू शेयर
सो बी का ओल्ड शेयर कितना है, हमें न्यू कैसे कैलकुलेट करना है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो बी का ओल्ड शेयर कितना है, 1/3 माइनस सैक्रिफाइस कितना है, 1/10 सो 30, 10 × 3 = 30, 10 × 1 = 10, 3 × 1 = 3, सो 10 − 3 7/30। सो ये है ए और बी के न्यू शेयर्स। अब तीनों पार्टनर्स के ए बी सी 17/30, 7/30 एंड सी का जो शेयर है 1/5। अब अगर यहाँ पर दोनों का ए और बी का डिनोमिनेटर 30 है तो हमें इसका डिनोमिनेटर भी 30 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 17/30, 7/30 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 × 5 = 30, 6 × 1 = 6 और ब्रैकेट में हमें लिखना है मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल, मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल, ठीक है। सो फाइनली रेशियो क्या आ गया, 17, 7 and 6, ये है इनका न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पर हमें न्यू शेयर मिल गया, न्यू शेयर हमने कैसे कैलकुलेट किया, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें डायरेक्ट सैक्रिफाइस दिया हुआ था। इससे पहले वाले जो सम थे वहाँ हमें क्या करना पड़ता था, पहले न्यू पार्टनर को शेयर देकर जो पार्टनर बचे, जो बचेगा शेयर वो दोनों ओल्ड पार्टनर्स ले लेते थे। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें ये पता है कि न्यू पार्टनर को कौन कितना दे रहा है, मीन्स सैक्रिफाइसिंग हमें पहले से पता है। अगर सैक्रिफाइसिंग पहले से पता है तो हमें यहाँ सैक्रिफाइसिंग नहीं कैलकुलेट करना है। पहले वाले में हमें ओल्ड और न्यू शेयर पता थे तो हम सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर रहे थे, इसमें हमें सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो पता है तो हमने न्यू कैलकुलेट कर लिया। एनी हाउ इन तीनों में से अगर हमें दो वैल्यू पता हैं, चाहे वो सैक्रिफाइसिंग हो, ओल्ड हो या न्यू हो, तो तीसरा वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ फाइनली सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो सैक्रिफाइसिंग किसने कितना किया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ए एंड बी कितना कितना सैक्रिफाई किया है, 1/10 1/10, तो सैक्रिफाइसिंग हो गया 1:1, ये दोनों का सैक्रिफाइसिंग है। तो ध्यान से इस पॉइंट को समझो कि अगर आपको ओल्ड पता है, न्यू पता है, तो सैक्रिफाइस कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या था, ओल्ड पता था, सैक्रिफाइस पता था, तो न्यू कैलकुलेट हो गया। तो ये मेथड है कैलकुलेट करने का, जिसमें हमने फोर्थ सम किया। अब आप ये फोर्थ नोट डाउन कर लो, यहाँ पर हमने कंप्लीट किया फोर्थ। नाउ नेक्स्ट हम फिफ्थ सम करेंगे। आइए फिफ्थ सम में देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। नाउ यहाँ पर तीन पार्टनर ऑलरेडी हैं, ए बी एंड सी, और उनका रेशियो कौन सा है, 5:3:2। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 5/10, 3/10 एंड 2/10। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर, अब उन्होंने डी को एडमिट किया है, सो डीज शेयर 1/20, डी को 1/20 देना है। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर, ए सैक्रिफाइस 1/20 फ्रॉम हिज शेयर
एंड बी सेक्रीफाइस 3/20 फ्रॉम हिज शेयर. नहीं, ये डी का शेयर नहीं दिया हुआ है हमें, ये ए और बी का सेक्रीफाइस दिया हुआ है जो डी को दे रहे हैं अपने शेयर में से. अपने शेयर में से ए सेक्रीफाई कर रहा है 1/20 और बी सेक्रीफाई कर रहा है 3/40 डी के लिए. दैट मीन्स ए और बी सेक्रीफाई कर रहे हैं, सी सेक्रीफाई नहीं कर रहा है. हमें न्यू शेयर कैलकुलेट करना है. नाउ यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए सेक्रीफाइस. ए कितना सेक्रीफाई कर रहा है? ए सेक्रीफाइस 1/20. बी सेक्रीफाइस 3/40. नाउ ए यहां पर देखना है फ्रॉम लिखा हुआ है, इस वर्ड को ध्यान देना. फ्रॉम फ्रॉम लिखा होना चाहिए, ऑफ नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि ऑफ होगा तो इसकी मीनिंग अलग हो जाती है. ए सेक्रीफाइस 1/20 फ्रॉम हिज शेयर मीन्स ए अपने शेयर में से 1/20 दे रहा है, बी अपने शेयर में से 3/40 दे रहा है. सो डी को मिलेगा कितना? सो डी शेयर इज इक्वल्स टू ए सेक्रीफाइस 1/20 प्लस बी सेक्रीफाइस 3/40. सो 40 एलसीएम, 40 डिवाइड बाय 20, 2 प्लस 3, सो 5/40. ये हो गया डी शेयर. देखो जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, पहले वाले सम में हमें उनका शेयर डायरेक्ट दिया हुआ था कि डी को ये इतना शेयर देंगे. इस सम में हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, इस सम में हमें बताया गया है कि ए इतना सेक्रीफाई करेगा, बी इतना सेक्रीफाई करेगा, दोनों के सेक्रीफाई को प्लस कर दिया तो डी का शेयर बन गया. अब डी का शेयर हमें पता चल गया कि डी को 5/40 मिलने वाला है. नाउ न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे. तो न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या है? न्यू शेयर न्यू शेयर्स इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस. सपोज करते हैं कि आप पार्टनर हो, ए और बी दो पार्टनर हो, 50-50 शेयर है. आप सी को एडमिट कर रहे हो तो सी को कुछ तो देना पड़ेगा, और वो जो परसेंटेज देना पड़ेगा वो आप में से माइनस होगा, तो आपका सेक्रीफाइस होगा. तो आपका ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस करेंगे तो न्यू मिल जाएगा. पहले मैं ए का कर रहा हूँ, तो ए का ओल्ड शेयर कितना था? यहाँ पर देखिए, ये ओल्ड शेयर है इनका, यहाँ लिख दूँ मैं ओल्ड शेयर 5/10. ठीक है, सो ए का ओल्ड शेयर कितना था? 5/10. उसने सेक्रीफाइस कितना किया? ए ने सेक्रीफाइस कितना किया है? तो ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/20. सो नाउ 20 एलसीएम, 20/10, 2 × 5, 10-1, 9/20. बी ने कितना सेक्रीफाई किया है? तो बी का ओल्ड शेयर कितना है? 3/10. ये 3 कैसे लिख दिया? 3/10 ओल्ड शेयर 3/10 माइनस बी ने कितना सेक्रीफाई किया था? 3/40. सो 40 एलसीएम, 40/10, 4 × 3, 12 − 3, सो 9/40. अब देखें कि ये तो ए और बी का शेयर है, सी के शेयर में कुछ भी चेंजेस नहीं है क्योंकि सी ने सेक्रीफाइस नहीं किया है. तो सी का सी शेयर कितना होगा? ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर सी का कितना है? 2/10 माइनस सेक्रीफाइस 0,
तो इसका तो 2 अपॉन 10 ही होगा, और डी का शेयर कितना था, तो ये रहा डी का शेयर 5 अपॉन 40। और चारों पार्टनर्स का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, ए बी सी एंड डी। सो ए का शेयर है 9 अपॉन 20, ये रहा न्यू शेयर, बी का है 9 अपॉन 40, सी का शेयर है 2 अपॉन 10 और डी का शेयर है 5 अपॉन 40। 9 अपॉन 20, 9 अपॉन 40, 2 अपॉन 10 एंड 5 अपॉन 40। सो मेकिंग डिनोमिनेटर्स इक्वल, सबके डिनोमिनेटर्स 40 कर दें, अगर सबके डिनोमिनेटर्स 40 करूँगा तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 40, ये हो जाएगा 9 अपॉन 40, ये है 2 अपॉन 10। अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अपॉन 40 एंड 5 अपॉन 40। सो फाइनली 18, 9, 8 एंड 5, ये होगा इसका फाइनल आंसर न्यू शेयर। ये हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, न्यू शेयर 18, 9, 8 एंड 5। नाउ लास्ट हमसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछते हैं सम में, सो किस किस ने सेक्रीफाइस किया है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसने सेक्रीफाई किया था, ए ने और बी ने, कितना, 1 अपॉन 20 एंड 3 अपॉन 40। यहाँ भी डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो सेक्रीफाइस पता चलेगा हमें, तो यहाँ 1 अपॉन 20 को 2 अपॉन 40 कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी डिनोमिनेटर 40 है तो हमें 40 डिनोमिनेटर चाहिए, और यहाँ पर हम 3 अपॉन 40 करेंगे। सो 2 अपॉन 40, 3 अपॉन 40, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 2:3। तो ऐसे आपको सम्स कैलकुलेट करने हैं, सम में थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, और ये जो डिवाइड है, एलसीएम है, ये आप अपने 8th, 9th, 10th में करके आए हो कि कैसे एलसीएम निकाला जाता है, सो वो पॉइंट्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं एलसीएम के। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पर हमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, सेक्रीफाइस दिया हुआ था, हमने न्यू में से सेक्रीफाइस, ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करके न्यू शेयर कैलकुलेट किया एंड देन सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किए। सो स्टूडेंट्स, ये हमने आज इस लेक्चर में कौन कौन से सम किए, एक हमने किया 5, दूसरा हमने किया 4 एंड थर्ड, सो ये हैं 3, आप नोट डाउन कर लीजिएगा सारे सम्स, 3 ठीक है, देन ये है 4 और ये है 5। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। अगर आपको सम में कोई भी डाउट है आप मुझे कॉल कीजिए, आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9712342616, ठीक है। सो ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।